रंजना जी, आपसे बात शुरू करूंगा। आप इन सब में अदालत में रही हैं, आप याचिकाकर्ता रही हैं और इस सब मामलों से बहुत गंभीरता से जुड़ी रही हैं। जो रिपोर्ट आई ज्ञानवापी पर एएसआई की, उसके बाद अब आगे क्या कानूनी दृष्टि से? और दूसरा, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई है कि जो वजू खाने में एक आकृति मिली थी जिसको हिंदू पक्ष ने कहा शिवलिंग है और इंतजामिया कमेटी ने कहा कि ये तो हमारा पुराना फब्बारा है जो खराब पड़ा है, इसकी भी जांच कराई जाए, क्या इस एप्लीकेशन से ज्ञानवापी के विवाद का रास्ता निकलेगा हल्का? रंजना जी, तो उसी समय निकल आया था जब अदालत के समक्ष हमने अपना दावा प्रस्तुत किया था और अदालत ने हमारे द्वारा दिए गए तर्कों, सबूतों, साक्ष्यों को कानून की कसौटी पर कसा और खरा पाया, तो हमारा दावा स्वीकार किया गया। एप्लीकेशन एएसआई के इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन डाली गई, चूंकि एएसआई का जो इन्वेस्टिगेशन होता है वैज्ञानिक विधि है और एडमिसिबल अंडर एविडेंस एक्ट है, तो एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और उसमें दूध का पानी हो गया। जो रह गई बात, जो आज एप्लीकेशन लगाई गई है जिसको ये लोग फवारा करते हैं, हम शिवलिंग कहते हैं, 1833 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने बनारस इलस्ट्रेटेड में इसका स्पष्ट वर्णन दिया हुआ, उसमें ये लिखा हुआ है कि बीच में महादेव शिवलिंग है जिसमें की भक्त लोग जल चढ़ाते हैं और वो सीधे गंगा नदी में, उसमें लिखा है कि गंगा नदी में, वैसे मैं तो माँ गंगा कहती हूँ, गंगा नदी में वो जल जाता है। जल किधर से जाता है, प्रिंसेप ने कहा ये स्पष्ट नहीं है। ठीक है, प्रिंसेप की किताब मेरे पास रखी है, बनारस इलस्ट्रेटेड कहें तो मैं खोल के पेज 69 पे सब मेंशन है। तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये एरिया छोड़ के बाकी का एएसआई सर्वे हो, एएसआई अपनी रिपोर्ट सबमिट करे। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, सारी चीजें सामने, शिलालेखों को मिटाने का वर्णन आया है, देवी मूर्तियों को बुरी तरीके से काटने का उसमें रिपोर्ट में पूरा एकदम स्पष्ट वर्णन आया है, और जो क्या कहते हैं मगरमच्छ, जो माँ दुर्गा, माँ गंगा की सवारी है क्रोकोडाइल, उसको भी छत विक्षत करने का, और बाकी जितने शिवलिंग है उनको तो बुरी तरीके से काटा गया है, कुछ शिलालेख अभी भी खंडित पड़े हुए हैं, कुछ जमीन में लगे, और औरंगजेब के द्वारा मस्जिद बनाए जाने के आदेश देने के भी शिलालेख सामने आए, वो सारी रिपोर्ट सामने है। अब इसमें किसी को कोई शक शुबा होना ही नहीं चाहिए, कब तक हम अपनी सांस्कृतिक धरोहरों के लिए रोते रहेंगे? अयोध्या हो गया, मथुरा हो गया, काशी हो गया, कुतुब मीनार चले जाइए, भोजशाला चले जाइए, जहां जाएंगे आप हमारी देवी देवताओं को खाली टू एस्टैब्लिश माइट ऑफ इस्लाम, देवी देवताओं की मूर्तियां, किसी के कान काटे गए, किसी के नाक काटे गए, उस समय हिंदू समाज कितना पीड़ित और कितना आहत हुआ होगा। आज हम लोग जाते हैं, मुकदमा फाइल करते हैं, उसके पहले मौका मुआयना करते हैं, जब मौका मुआयना करते हैं तो बस आपको बता नहीं सकते कि आंसू, अगर खून निकलता होता तो आंसू खून के आते हैं। मुफ्ती साहब, एक तो बात यह कि कहा गया कि भाई ये तो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को खारिज करते हैं, इस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं। रंजना जी बता रही हैं कि ये रिपोर्ट जो है ये साक्ष्य अधिनियम के तहत मान्य है, इसलिए ऐसी नहीं कि मतलब किसी ने अपने मन से चिट्ठी लिख दी टाइप का मामला नहीं, एक। और दूसरा, ये जो विषय आज आया, मुझे लग रहा है बड़ा निर्णायक विषय है कि ये आकृति शिवलिंग है या फब्बारा। अगर फब्बारा है, जैसा कि एक पक्ष कहता है कि फब्बारा है, तो उस पक्ष को आपत्ति नहीं होना चाहिए? फब्बारा की जांच में क्या आपत्ति, मुफ्ती साहब? नहीं, अगर फब्बारा ही है आपके हिसाब से, एक पक्ष के हिसाब से, तो उस पक्ष को तो आपत्ति नहीं करनी चाहिए जांच में। कहो भाई चाहे जितनी जांच कराओ, फब्बारे की जांच में क्या समस्या, मुफ्ती साहब? मुफ्ती साहब आपका शायद अनम्यूट कर लीजिए उसको। जी हाँ जी, देखिए एएसआई का जो सर्वे हुआ है जी, वो कोर्ट के आदेश से सर्वे हुआ है। इससे पहले भी सर्वे करने वालों ने लीक कर दिया था कि क्या सर्वे हुआ है। अब अदालत के अंदर मामला गया था, पहले मामला श्रृंगार गौरी का था, बढ़ते 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 शिवलिंग का आ गया। मगर आपके आपका मैं ज्ञान वर्धन करता हूँ कि राजेंद्र तिवारी ने भी कहा था
कि वो फाउंटेन है, राजेंद्र तिवारी वही है। मगर मैं कहता हूँ सेंसिटिव मामला है, ये फाउंटेन है या शिवलिंग है, हिंदुओं का एक बहुत बड़ा आस्था जुड़ा हुआ है ज्ञानवापी से, और उनके आस्था को चोट पहुंचाए बगैर मेरा यह मानना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया लाग लपेट के बजाय, अगर सर्वे पर आपको भरोसा नहीं है तो एक मुसलमानों को एक अलग टीम बना करके सर्वे, उनके सर्वे के साथ अपने सर्वे करने वालों को भी सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगानी चाहिए कि हम वो जो सर्वे कर रहे हैं उनके साथ हमको भी सर्वे करने का मौका दिया जाए। मगर मैं कहता हूँ कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जांच से आ जाने की जरूरत हुई। अगर शिवलिंग का वहाँ दावा है तो फिर तो मुझे कहना पड़ता है कि मुसलमानों को रिक्वेस्ट, मुसलमानों को रुकावट किए बगैर उनको जांच का मौका देना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और झगड़ा खत्म हो जाए। जी एचएस रावत साहब जी, शिवलिंग है या फब्बारा, अब बात यहां पर आ गई। और अगर फब्बारा है तो फब्बारे की जांच एक बार नहीं, 100 दफा करो, किसी को क्या समस्या हो नहीं। जी बिल्कुल अमिताभ जी, जी मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बाकी का सर्वे हुआ और उसी प्रकार से जो फब्बारा बता रहे हैं वो बजू खाने को, अगर उसका भी कार्बन डेटिंग हो जाए, जैसे कभी 1000 वर्ष पुराना वहां पर वो जो मूर्तियां मिली हैं, खंडित मूर्ति मिली हैं, या जो मस्जिद के अंदर जो अवशेष मिले हैं, अभी वो कार्बन डेटिंग के हिसाब से 1000 वर्ष उनकी उम्र आती है, और औरंगजेब के हिसाब से वो 69 की बात आती है, तो अगर वो जो बजूखाना जिसको बोल रहे हैं, फब्बारा बोल रहे हैं जिसको, अगर उसकी भी कार्बन डेटिंग हो जाती है तो क्या दिक्कत है। अभी मैं स्टेटमेंट सुन रहा था के मोहम्मद साहब की, जो डायरेक्टर थे ESI के, तो उन्होंने अमिताभ जी ये कहा था कि देखिए मैं तो सभी मुसलमानों से ये कहना चाहता हूँ कि ये निश्चित तौर पर देखिए, जब मैं डायरेक्टर था तो हमने इन सारी चीजों का एक सर्वे किया था और उसमें ये सारी चीज पहली मर्तबा में ये साबित होता है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके जो अवशेष हैं वो कहीं ना कहीं मंदिर के ऊपर बने हुए हैं, तो इसलिए मुसलमानों को ये अपना दावा छोड़ देना चाहिए और देश में शांति बनी रहेगी। तो अगर अभी जिद की बात आती है, नदीम साहब कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जी हमारे किराएदार थे उन्होंने जाके वहां मूर्तियां रख दी हैं, तो नदीम साहब तो बड़े विद्वान आदमी हैं, इनको तो सारी बातों की समझ है, अब तो इनको मुझे लगता है खुल के बातें करनी चाहिए और इनको बोल देना चाहिए ठीक है भैया, अगर वो आपको लगता है फब्बारा तो उसकी भी कार्बन डेटिंग करा लो, और कार्बन डेटिंग अगर हो जाती है तो आपकी बात ठीक है तो ठीक है, नहीं तो आप हिंदुओं को इसको दे दो, उसमें क्या दिक्कत है। तो मुझे लगता है कि अब तो खामा खा के जो इंतजामिया कमेटी है वो कहीं ना कहीं सीधे बिल में नहीं घुसना चाह रही है, उनको चाहिए सीधे बिल में घुसे और शांतिपूर्वक जब वो रिपोर्ट आ गई है और अभी भी उस पर अगर इनको कोई दिक्कत है तो मैं तो कहता हूं कि आप उस फब्बारे की भी कार्बन डेटिंग करा लो, उसके लिए क्यों दिक्कत आपको आ रही है, उसकी भी कार्बन डेटिंग हो जाए और सुप्रीम कोर्ट को उसके आदेश कर देने चाहिए कि उसकी भी कार्बन डेटिंग हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और मुझे लगता है फिर आगे कोई दिक्कत इसमें अमिताभ जी नहीं आएगी। मैं मनोज पंडित जी के पास चलूं, उससे पहले एक बुनियादी बात जरूर देश के सामने रखना जरूरी है। एक तर्क दिया गया इंतजामिया कमेटी ने खासतौर पर, मनोज जा रहा हूं बात, कि भाई हमारे यहाँ इस बड़े इलाके में तमाम किराएदार रहते थे और उसमें कुछ किराएदार ऐसे थे जो मूर्ति बनाने का काम करते थे, तो उसमें कुछ टूटी फूटी मूर्ति यही छोड़ गए होंगे, उसमें हमारा क्या लेने देना। ये एक पोस्चर लिया, इस पर मैं दो टिप्पणी करूंगा, ये पोस्चर धराशायी हो जाएगा। किराएदार कब थे, जब मस्जिद बनी तभी ना आपने किराएदार रखे होंगे, ठीक, सारा खेल 400 साल के भीतर का, 400 साल के भीतर जो किराएदार वहां मूर्ति बना रहा था वो 1000 साल 1600 वर्ष पुरानी मूर्ति कैसे बना लिया, वो नजूमी था। जब आपका सारा खेल ही 370 साल 64 साल के भीतर का है तो वहां 1000 साल 1500 साल पुरानी मूर्ति कैसे आ गई जो आप कह रहे हो कि ये छोड़ गए। एक और दूसरा, पश्चिमी द्वार
रंजना जी ने उस पर बहुत काम किया है, वो मेरी बात बेहतर से वो करेंगी इंडोर्स। पश्चिमी द्वार तो किराएदारों ने बनाया ना, उसका तो किराएदार से कोई लेने देना नहीं। मूर्ति बनाई नहीं बनाई छोड़ो, मैं उस झगड़े को भी टंटा काटता हूं। पिलर तो किराएदारों ने नहीं खड़े किए, उनमें शंख चक्र गदा पद्म बना है, वो किराएदार बना गए चाचा। कहां कहां तक लपेटोगे झूठ को, कहीं तो टिकना पड़ेगा ना। यही मूल विषय है मनोज पंडित जी। मामला फिर आ गया घूम फिर के वहीं से जहां से शुरू हुआ था। मुझे याद है कि जिस दिन ये बजू खाने से ये प्राकट्य हुआ था इस संरचना का, बनारस भर में जय जयकार हो गया था और पूरे बनारस में लोग पैदल भागते गलियों में फिर रहे थे, एक भाव विब्बल भाव अवस्था में, और कह रहे थे बाबा मिल गए। अब मुझे लग रहा है वही बिंदु है जहां से निर्णय होगा ज्ञान बापी की समस्या का। मनोज पंडित जी, अमिताभ जी आप देखिए कि हम इसे पिछले इतने दिनों से चीजों को देखते चले आ रहे हैं। आप हमसे हिंदुओं से ये बात, ये उम्मीद क्यों की जाती है कि हम सद्भावना की बात करें या हम आउट ऑफ कोर्ट बैठ के चीजों को निपटाएं, ये उम्मीद इनसे भी की जा सकती है ना। जब आज 840 पेज की रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट में वो रिपोर्ट चीख चीख के कह रही है कि यहां मंदिर था और सारी चीजें हैं, पर उसके बावजूद ये लोग मानने को तैयार नहीं, क्यों? इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। ये जो चीजें दिखाना चाहते हैं, आप ये देखिए कि 500 साल लड़ाई की हमने राम मंदिर के लिए, और अब जब इतिहास बना और जनवरी में दिवाली मनी तो लोगों को समझ में आया, और यहां पर भी ज्ञान बापी की हालत, आप सारी चीजें, अभी किराएदार, ये कुछ चीजें हैं क्या? इनका कोई आधार है क्या इन बातों का? अगर 400 साल पहले मान लो इन्होंने चीजें बनाई, उस वक्त क्या वो हजार साल पुराना स्ट्रक्चर कैसे, या वो मूर्तियों का जो पदार्थ जिसमें यूज किया गया वो कैसे लेके आएंगे? तो कम से कम इनको ये बात समझनी चाहिए कि जिन बातों को आप आधार बना रहे हैं उनका कोई मतलब है नहीं। अभी तो हम ये उम्मीद करते हैं इनसे, या देश ये उम्मीद करता है इनसे, कि जो ये उम्मीद हमसे करते हैं कि हम चीजों को ऐसे ही छोड़ दें या ऐसे ही बना लें, तो क्या ये पहल नहीं कर सकते क्या उस चीज में? क्या इनको नहीं पहल करनी चाहिए, या इनको बड़ा दिल नहीं दिखाना चाहिए कि ठीक है जी गलती हमारे बुजुर्गों से हो गई, अब हम मानते हैं उस बात को, और अब ये मंदिर है, ठीक है मान लो आप इसको मंदिर है, पर लेकिन नहीं, लास्ट मोमेंट तक, आखिरी बात, आखिरी चीज तक सिर्फ एक खड़ा करना है, विवाद को खत्म नहीं करना, बढ़ाना है इसको। और जिसको आप फुआरा बता रहे हैं, आप ये बताइए, तीन इतनी मंदिर, इतनी मस्जिदें हैं पूरे हिंदुस्तान में, क्या ऐसा दूसरा फुआरा और मस्जिदों में भी लगा हुआ है क्या? ये बताइए आप मुझे, इसी यहीं पर क्यों ऐसा फुआरा है? अगर फुआरा है तो इसकी जांच हो जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है उस बात से? अगर फुआरे की जांच अगर हो जाती है तो इसमें क्या आपत्ति है आपको? तो मेरा मानना यह है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है, और ये अपने नीयत के हिसाब से, इनको सब मालूम है कि क्या है और क्या नहीं है, पर लेकिन ये चीजों को मानने को तैयार नहीं है। ये मानेंगे कोर्ट के, अभी आप देखिए कि पहले क्या था, पहले जब अयोध्या का मामला चल रहा था तब इन्होंने कहा कि ठीक है जी इसको समझ लेते हैं, अब कहते हैं नहीं अभी सबूत ही तो मिले हैं, सबूत से क्या होने वाला है, अभी तो आप चलने दीजिए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। तो कहीं ना कहीं तथ्यों को नकारने की बात कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो ये चीजें ठीक नहीं है, ठीक। और अब सब जनता भी समझती है, लोग भी समझते हैं कि इनकी नीयत जी, मनोज भाई आता हूँ दोबारा,